अंडा वेज या नॉन वेज, अंडा शाकाहारी या मांसाहारी, मैं ब्रिज मंसूरी स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी, अंडा मांसाहारी है या शाकाहारी, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि अंडा शाकाहारी में आता है मांसाहारी में आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे शाकाहारी कहने लग गए हैं। सभी जानते हैं कि अंडा एक जीव रचना करता है, यानी अंडे से एक जीवन पनपता है। परमात्मा ने अंडे को खाने के लिए नहीं बल्कि जीवन देने के लिए बनाया है। अंडे से जीवन निकलता है, बच्चा निकलता है। जब आप खा जाते हो तो एक तरह से बच्चे को जन्म लेने से पहले ही खा रहे हो। कुछ एक लोग अंडे की तुलना दूध से करके, यानी जैसे दूध शरीर में से निकलता है ऐसे अंडा शरीर में से निकलता है, शाकाहारी बता देते हैं। परंतु उनके लिए जानना जरूरी है कि अंडा किसी भी सूरत में शाकाहारी नहीं है। वो कह देते हैं दूध भी तो शरीर से निकलता है, अंडा भी तो शरीर से निकलता है, फिर शाकाहारी हुआ। अरे नहीं मेरे भाई, नहीं, दूध अमृत है, अंडे से तो जीवन निकलता है, आप जीवन को समाप्त करके खाते हो। अंडे से जहाँ एक जीवन की रचना होती है, वहीं दूध से जीव की पालना होती है। अंडा खाने से एक तरह से हम जीव को दुनिया से आने से पहले ही समाप्त कर देते हैं, जबकि दूध परमात्मा ने अमृत के रूप में दिया है। परमात्मा ने दूध को सेवन के लिए दिया है और अंडा जीवन के लिए दिया है। अंडा खाना पाप माना जाता है हमारे सभी ग्रंथों में। अंडा इसलिए है कि उससे बच्चा निकले, दूध इसलिए है कि बच्चे की पालना हो। परमात्मा ने दूध का सेवन करने को कहा और अंडा खाने को नहीं, जीवन देने को कहा। यदि अंडा शाकाहारी है और इसको खाने से कोई पाप नहीं होता है, तो फिर भ्रूण हत्या करना पाप क्यों होता है? क्योंकि जिस प्रकार भ्रूण हत्या में हम जीव की हत्या कर देते हैं, उसी प्रकार अंडे का सेवन कर हम एक जीव को दुनिया में आने से पहले ही समाप्त कर देते हैं, तो क्या ये पाप नहीं है? हमारे ग्रंथ कहते हैं प्रत्येक वह वस्तु जिसका भोग हम परमात्मा को नहीं लगा सकते, खाना पाप माना जाता है। प्रत्येक वस्तु जिसका भोग परमात्मा को लगा सकते हैं शुद्ध होती है, अमृत होती है, और ऐसी वस्तु का सेवन हमें भवसागर से पार करता है। जिस वस्तु को आप अपने परमात्मा अपने गुरु के समक्ष रख भी नहीं सकते, वो शुद्ध कहाँ हुई, शाकाहारी कैसे हुई? अंडा किसी भी सूरत में शाकाहारी नहीं है, उससे जीव की रचना होती है, होने दीजिए। यदि आप अंडा खाते हैं तो आप एक जीव की हत्या कर रहे हैं, आप एक जीव को मार रहे हैं। यदि आपकी कोई समस्या हो, यदि आप कोई जानकारी चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, यदि जन्म पत्री दिखानी हो तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए।